हेलो एवरीवन, आज का हमारा पाठ है नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा है स्वयं प्रकाश ने। चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था, यानी कोई सेना में काम करने वाला व्यक्ति नहीं था, ना ही वो कोई देश में फौज में सेना में लगा हुआ था। फिर भी लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। इसका कारण यह था कि उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अपनी शक्ति के अनुसार देश के निर्माण में अपना पूरा योगदान देता था। कैप्टन के कस्बे में चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। मूर्तिकार उस मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया। कैप्टन ने यह देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसके मन में देश के नेताओं के प्रति सम्मान और आदर था, इसलिए वह जब तक जीवित रहा उसने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा कर रखा। उसकी इसी भावना के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। हालदार साहेब पहले मायूस हो गए थे, क्योंकि हालदार साहेब चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकते थे। जब से कैप्टन मरा था किसी ने भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया था, इसलिए जब हालदार साहेब कस्बे से गुजरने लगे तो उन्होंने ड्राइवर से चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया था। हालदार साहेब जब चौराहे से गुजरे तो ना चाहते हुए भी उनकी नज़र नेताजी की मूर्ति पर चली गई। मूर्ति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहेब को यह उम्मीद हुई कि आज के बच्चे कल को देश के निर्माण में सहायक होंगे, यानी कि अभी की जो पीढ़ी है वो नेताजी का इतना ध्यान रख रही है कि सरकंडे का चश्मा लगा रही है, तो हो सकता है ये फ्यूचर में हमारा देश का निर्माण करेंगे। और अब उन्हें कभी भी चौराहे पर नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना पड़ेगा। चौराहे पर नेताजी की मूर्ति पर बच्चे के हाथ से बने का जब सरकंडे का चश्मा उन्होंने देखा तो वो भावुक हो गए। यानी कि हालदार साहेब ने जब ये देखा कि सरकंडे का चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ है तो वो भावुक हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कोई भी नहीं लगाएगा, क्योंकि अब कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को वहाँ रुकने से मना कर दिया था। परंतु जब उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो उनकी आंखें नम हो गई और इस प्रकार वो मूर्ति को नमन करते हैं। लेखक जो है यह सोचता है कि उस देश के लोगों का क्या होगा जो अपने देश के लिए न्योछावर करने वालों पर हंसती है, यानी कैप्टन पर लोग हंसते थे। पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी और उसका रंग जो था वो बिल्कुल काला था पान वाले का, और वह शरीर से मोटा था। उसकी आंखें हंसती थी, उसकी तोंद निकली हुई थी। जब वह किसी बात पर हंसता था तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। उसका स्वभाव जो था खुश मिजाज था। बार बार पान खाने से उसके दांत लाल और काले थोड़े मटमैले से हो गए थे, और कोई भी बात करता था तो वह मुंह में रखे हुए पान को थूकता रहता था, और उसकी आदत बार बार उसे मजबूर करती थी कि वह जब भी कुछ बात बोले तो वो पान को थूके। पान वाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी रहती थी और वह अपने पान खाए हुए रसीले अंदाज में दूसरों के सामने अपनी बात को बताता था। वह मन का ठीक था, और इसलिए कैप्टन की मृत्यु जब उसके सुनाई देती है कि उसकी खबर आती है कि कैप्टन साहब नहीं रहे, तो उसकी आंखों में उदासी के भाव प्रकट हो गए थे। हालदार साहब के मन में भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वालों के प्रति आदर का भाव था। जब उन्हें लगा कि कैप्टन था तो चश्मा लगता था और नहीं है तो नहीं लगता, परंतु पान वाला कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए बोला कि वह एक लंगड़ा व्यक्ति है, इसलिए वह फौज में कैसे जा सकता है। पान वाले का कैप्टन को हंसी उड़ाना अच्छा नहीं लगता है, और एक वही है जिसने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया। यानी वो कहता है कि एक वही व्यक्ति है जो ऐसा काम कर सकता है कि नेताजी का ध्यान रख सकता है। उसके नेताजी के प्रति जो आदर के भाव थे उसी ने पूरे कस्बे की इज्जत बचा रखी थी। पान वाले के मन में देश और देश के नेताओं के प्रति कोई सम्मान नहीं था।
उसे तो अपना पान बेचने के लिए कोई ना कोई मसाला चाहिए। यदि ऐसे लोग देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें किसी की हंसी उड़ाने का अधिकार नहीं है। कैप्टन जैसे भी व्यक्तित्व का स्वामी था, कम से कम उसके भीतर देश भावना तो थी, यानी कि देश के प्रति भक्ति की भावना तो थी। पान वाले को कैप्टन की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी। हालदार साहब का चौराहे पर रुककर नेताजी को जब वो मूर्ति देखते हैं तो उनके मन में बार बार ये विचार आता है कि कम से कम देश के लोगों में नेताओं के प्रति सम्मान की भावना तो है। जब हालदार साहब कैप्टन को साक्षात देखते हैं तो वे सोचते थे कि कैप्टन एक पहले तो वो सोचते थे कि कैप्टन रोबदार व्यक्ति वाला इंसान होगा, व्यक्तित्व वाला, या उसका गठीला बदन होगा जिसकी मूछें बड़ी बड़ी होंगी एक फौजी की तरह। लेकिन जब वो देखते हैं कि कैप्टन एक दुबला पतला सा कमज़ोर सा व्यक्ति है तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि कैप्टन नाम है और वो ऐसे नहीं हैं। कस्बों, शहरों और महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी व्यक्ति की मूर्ति लगाने के पीछे क्या उद्देश्य, देखिए क्या उद्देश्य होता है, उद्देश्य यह होता है ताकि देश के लोग जो हैं वो भक्ति भावना रखें देश के प्रति। हमारा देश जो है आज़ाद हुआ है, आज़ादी में जिन्होंने योगदान दिया है उन लोगों के प्रति हमारे देश के लोग ऐसी भावना रखें, देशभक्ति की भावना रखें, और इसी उद्देश्य से देश प्रेम का वर्णन करना उन मूर्तियों को लगाने का उद्देश्य होता है। जब जब देश का निर्माण होता है उसमें कुछ नाम प्रसिद्ध रह जाते हैं और कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी यही दिखाया है कि नगरपालिका वाले कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाते हैं और मूर्तिकार उस मूर्ति का चश्मा बनाना भूल जाता है। उस कस्बे में कैप्टन नाम का एक व्यक्ति होता है जो चश्मा बेचने का काम करता है और उसे चश्मे के बिना नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वह चश्मे बेचने वाले जो चश्मे हैं उसमें से एक चश्मा उतार करके प्रतिदिन उस मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन सब लोग उसका मजाक उड़ाया करते हैं। उसके मरने के बाद नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के चौराहे पर लगी रहती है और बिना चश्मे की मूर्ति हालदार साहब को भी दुखी कर देती है। लेकिन फिर वो अचानक देखते हैं कि सरकंडे का चश्मा जो है मूर्ति पर लगा हुआ है। इस योगदान में बच्चे भी शामिल हैं, हमारे देश के बच्चे भी शामिल हैं। कस्बा जो था वो आम कस्बों जैसा ही है, उसमें कुछ मकान पक्के थे, एक बाजार था, कस्बों में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना था जिसमें काम करने के लिए हालदार साहब आते हैं। हालदार साहब जब भी कस्बे से गुजरते थे तो वो मूर्ति को देखते थे और पान वाले से उन्होंने ये पूछा कि मूर्ति पर चश्मा किसने लगाया, रोज नया चश्मा देख करके।